अस्सलाम वालेकुम, लेक्चर नंबर 10 माइक्रोबायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में आप लोग वायरस की प्रॉपर डेफिनेशन, उसकी शेप्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि उसकी शेप हेलिकल क्यूबिक वगैरह होती है। अब हम लोग बात करेंगे वायरस के स्ट्रक्चर की, कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वायरस की साख कैसी होती है। रीड कर लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अब मैच्योर वायरस पार्टिकल इज ऑल्सो नॉन एज वायरोन। जो एक मैच्योर वायरस होगा, जो एक बालिग वायरस होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वायरोन कहेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ आइदर 2 or 3 बेसिक कंपोनेंट्स, जीनोम, कैप्सिड और एनवेलप। अब जो एक वायरस होता है, एक मैच्योर वायरस की बात कर ले, एक वायरोन की, उसके 3 स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स होते हैं। उसके 3 स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, जीनोम, कैप्सिड, एनवेलप। ये 3 चीजें उसके अंदर होती हैं, ठीक है। जीनोम की बात कर लेते हैं, जीनोम किसे कहते हैं। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता दिया था कि वायरस किसे कहते हैं, वायरस की कंपोजिशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि वायरस के अंदर 2 चीजें होती हैं, प्रोटीन होती है या फिर डीएनए आरएनए होता है। जो डीएनए आरएनए है वो न्यूक्लिक एसिड है, जिसको हम लोग जीनोम कहते हैं। समझ आ गया ना, जीनोम किसे कहते हैं। वायरस 2 चीजों का बना होता है, खास तौर पे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड को ही हम लोग जीनोम कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोम। प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन बाहर वाली कोट होती है, बाहर वाला एक कैप्सिड होता है, बाहर वाला एनवेलप होता है, लेकिन अंदर जो उसके अंदर चीजें होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। The viral genome is either DNA or RNA, and the viruses are hence categorized as DNA or RNA viruses. The nucleic acid of DNA viruses is usually double-stranded or linear or circular, depending on the family, and the nucleic acid of RNA viruses is usually single-stranded. हम ये कह रहे हैं कि जो वायरल डीएनए होता है, जो वायरस का डीएनए होता है, वो जो डीएनए होता है वो या तो सिंगल भी हो सकता है, उसकी जो धागा होता है, स्ट्रैंड होता है, वो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो आरएनए की, जो आरएनए जीनोम, ऐसा वायरस जिसका जीनोम सिर्फ और सिर्फ आरएनए पर मुश्तमिल होगा, उसको हम क्या कहेंगे, आरएनए वायरस। और जो आरएनए होता है, उसकी जो स्ट्रैंड होती है वो सिंगल स्ट्रैंड होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए एक धागे पर मुश्तमिल होता है। जो आरएनए वाला वायरस है ना, उसके अंदर की जो जीनोम है, उसके अंदर का जो आरएनए है, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड पर मुश्तमिल है। लेकिन अगर डीएनए की बात करें तो वो डबल स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। समझ आ गया, जीनोम के बारे में बात कर रहे हैं कि वायरस के 3 कंपोनेंट्स हैं, जीनोम, कैप्सिड और एनवेलप। अब जीनोम मैंने आपको बता दिया कि वायरस की जो न्यूक्लिक एसिड है, जितना भी डीएनए आरएनए, वो सारा का सारा जीनोम कहलाता है। अगर वायरस का जीनोम सिर्फ डीएनए है तो उसको हम लोग कहेंगे डीएनए वायरस। और जो डीएनए के, जो वायरस का डीएनए होगा, वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, लेकिन अगर उसका जीनोम सिर्फ और सिर्फ आरएनए है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करते हैं, कैप्सिड की, जो बाहर उसका घेरे हुए है जिसमें, ठीक है, कवर जोन सा उसका होता है। द कैप्सिड इज द शेल। कैप्सिड का एक और नाम भी है क्या, शेल है ये, ठीक है, कवर कर रहा है, कवरिंग दे रहा है ऑफ वायरस कोडेड प्रोटीन। ऐसा वायरस जिसकी प्रोटीन, जिसने प्रोटीन कवर की हो, डेट इनक्लोजेस द न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड हो। मैंने बताया था ना कि डीएनए आरएनए सेंटर में होता है, न्यूक्लिक एसिड उसकी प्रोटीन जो होती है कोट कर रही होती है, उसको घेर रही होती है, उसको कवरिंग दे रही होती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कंपोनेंट इज ऑफन टर्म्ड एज न्यूक्लियर कैप्सिड। अब जो अंदर वाला न्यूक्लिक एसिड है, जो न्यूक्लिक एसिड था वायरस का, न्यूक्लिक एसिड और बाहर वाली कौन सी है, प्रोटीन, ये दोनों मिलके क्या कह रही है, प्रोटीन ने क्या किया, कैप्सिड दिया, एक शेल दिया, एक कवरिंग दिया, इन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोकैप्सिड, ठीक है, न्यूक्लियोकैप्सिड इसे हम लोग कहेंगे। उसके बाद द कैप्सिड प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम डिहाइड्रेशन। अब जो कैप्सिड है, ये न्यूक्लिक एसिड की डिहाइड्रेशन से उसको प्रोटेक्ट करती है। थर्ड स्ट्रक्चर कंपोनेंट की हम बात कर लेते हैं, इनवेलप की। द इनवेलप विच सराउंड द कैप्सिड, ऐसा इनवेलप जो कैप्सिड को सराउंड करे, ठीक है, जो कैप्सिड के गिर्द हो, इज इन सेवरल वायरस फैमिलीज इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द सेलुलर मेम्ब्रेन्स, बट सेल कोडेड एंड वायरल प्रोटीन्स आर इंटीग्रेटेड इन द मेम्ब्रेन व्हेन दीज एलिमेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इनवेलप फ्रीक्वेंटली इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक्स। अब ये देखिए, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड को जो चीज़ घेर रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन से बनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं या शेल कहते हैं। अब जो इनवेलप है वो इन पूरे को घेरता है, इनवेलप के अंदर ऊपर स्पाइक्स भी बनी होती हैं, इस तरह करके इस जो चीज़ें मूवमेंट वगैरह वायरस को दे रही होती है, उसको हम लोग स्पाइक्स कहते हैं। जो इनवेलप के ऊपर जो स्पाइक्स निकली होती हैं, वो प्रोटेक्ट कर रही होती है, मूवमेंट दे रही होती है वायरस के सेल को। उसके बाद हम बात
करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर की आप लोगों को समझ आ गया कि तीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, जीनोम, कैप्चर्ड और इनवेलप। जीनोम क्या होता है, जो उसकी सेंटर वाली मेन चीज है आरएनए या डीएनए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लिक एसिड को क्या कहेंगे, जीनोम। जीनोम की गिट क्या होती है, प्रोटीन की कवरिंग होती है, प्रोटीन की एक लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, उस शेल को उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम शेल कहेंगे या कैप्सिड कहेंगे। उसके बाहर जीनोम और कैप्सिड के बाहर एक इनवेलप होता है, डबल मेम्ब्रेन वाला एक इनवेलप होता है, वो पूरे के पूरे वायरस को घेरता है। तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं वायरस के स्ट्रक्चर के अंदर। आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। द टैक्सोनॉमिक सिस्टम यूज्ड फॉर वायरसेस आर्टिफिशियल। अब जो सिस्टम वायरस की क्लासिफिकेशन के लिए बनाया गया है ना, वो आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल नहीं है। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट वायरस एवोल्यूशन एंड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल क्राइटेरिया। जो इसका क्राइटेरिया, जो इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से और उसके बायोलॉजी के लिहाज से, उसकी कंपोजिशन के लिहाज से जो बेसिस बनी है क्लासिफिकेशन की, वो ये है। कौन कौन सी, ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, के उसका जो न्यूक्लिक एसिड है डी एन ए आर एन ए वो कौन सा, उस बेस के लिहाज से, उस बेस पे, या फिर कैप्सिड सिमेट्री के उसकी जो कैप्सिड है वो प्रोटीन के अलावा और किन किन चीजों की बनी हुई है, इनवेलप की बेस पे या डायमीटर की बेस पे, साइज वगैरह की बेस पे। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, हम लोग उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। इन सब बेसिस को हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहली है ऑन द बेस ऑफ जीनोम, के जीनोम के लिहाज से वायरस को किस तरह क्लासिफाई किया गया है। द वायरसेस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए और आरएनए जीनोम एज वेल एज कॉन्फिगरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। आरएनए वायरसेस आर फर्दर सबक्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्लस एंड माइनस पोलैरिटी। वो ये कहते हैं कि जीनोम के लिहाज से भी हम वायरस को अलग कर सकते हैं। वो किस तरह के, हमने इसमें पढ़ा था कि जीनोम जो से वो दो तरह के हो सकते हैं, डीएनए आरएनए। अगर जीनोम हम लोग देखें वायरस का डीएनए, तो हम लोग कहेंगे कि डीएनए वायरस है। अगर जीनोम आरएनए हुआ, तो हम लोग कहेंगे आरएनए वायरस है। अगर हमें नहीं पता चल रहा डीएनए और आरएनए वायरस का, तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर सिंगल स्ट्रैंड नजर आ रहा है जीनोम के अंदर, तो हमें पता है सिंगल स्ट्रैंड किसका होता है, आरएनए का, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो आरएनए वायरस है। अगर डबल स्ट्रैंड हुआ, तो हम लोग वो कह देंगे कि वो डीएनए वायरस है। उसकी जीनोम अगर डीएनए की बनी है, डबल स्ट्रैंड की बनी है, तो हम उसको कह देंगे डीएनए वायरस। आगे हम कैप्सिड की बात कर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड सिमेट्री। ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड सिमेट्री वायरसेस कैन बी क्लासिफाइड एज क्यूबिक, हेलिकल और कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। अब कैप्सिड सिमेट्री मतलब जो बाहर वाली कवरिंग है उसकी शेप क्या है, सिमेट्री मतलब उसका स्ट्रक्चर, उसकी शेप क्या है। अब अगर वो कैप्सिड की शेप क्यूबिक होगी, क्यूब बना रही होगी, या हेलिकल होगी, स्प्रिंग लाइक होगी, या कॉम्प्लेक्स होगी, इन तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर हुआ कैप्सिड का, तो वो उस लिहाज से उसको अलग अलग किया जा सकता है। जैसे हम लोग पीछे क्यूबिक सिमेट्री वाले, जितने भी क्यूबिक स्ट्रक्चर वाली जितने वायरस पढ़ चुके थे, उनके आगे मिसाले पढ़ चुके थे, पोलियो वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। इसी तरह हम लोग कैप्सिड की शेप देख के, उसकी स्ट्रक्चर देख के, कि अगर ये क्यूबिक शेप वाला कैप्सिड है, उसकी जो बाहर वाली कवरिंग उसकी क्यूब शेप है, तो उस लिहाज से हम लोग वायरसेस को अलग अलग कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एन इनवेलप, के इनवेलप की किस तरह हम लोग कर सकते हैं, This classification is on the basis of presence of absence of in virus. अगर envelop हुआ, envelop होने वाले viruses भी अलग कर सकते हैं और उनकी absence में भी अलग कर सकते हैं। कि अगर capsid present हुआ, तो वो जो अगर envelop present हुआ, तो वो वाले viruses अलग कर सकते हैं। जिनमें envelop ना हुआ, जिनमें envelop absence हुआ, तो वो वाले virus भी हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ऑफ द वायरस, ठीक है, द डायमीटर ऑफ द वायरस और द न्यूक्लियो कैप्सिड, द कॉम्बिनेशन ऑफ कैप्सिड एंड न्यूक्लिक एसिड एज विद हेलिकल सिमेट्री। इसके अलावा हम लोग किस बेस पे वायरस को अलग अलग कर सकते हैं, उनके डायमीटर के लिहाज से। हर वायरस का डायमीटर अलग अलग है, तो डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स पर हम लोग उनके स्ट्रक्चर्स के लिहाज से, उनके वेट के लिहाज से उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो डायमीटर आप लोगों को याद रहे कि वायरस की जो क्लासिफिकेशन है, वो डायमीटर के लिहाज से भी वायरस अलग अलग किए जा सकते हैं, इनवेलप की एब्सेंस या प्रेजेंस के। इनवेलप हो तो अलग कर सकते हैं, और जिनमें ना हो इनवेलप, उनको हम अलग कर सकते हैं। कैप्सिड की सिमेट्री, के कैप्सिड अगर क्यूब में है, हेलिकल में है, तो उनको हम लोग अलग कर सकते हैं। जीनोम डीएनए के, आरएनए डबल स्ट्रैंडेड या डीएनए, तो इस लिहाज से हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वायरस की। आज का टॉपिक वायरस में हम लोग प्रॉपर डिटेल से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंजाई वगैरह को, प्रॉपर उसके स्ट्रक्चर वगैरह को डिटेल में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में अगर आप लोगों को समझ ना आई हो, तो जरूर क्वेश्चन पूछेगा। अल्लाह हाफिज़।